आज नीति आयोग की बैठक का निष्कर्ष क्या निकला है? सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी? और बंग युद्ध में टीएमसी का नया नारा क्या है? राष्ट्र और राज्यों की बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप नाइन देश प्रदेश। पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि देश अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता, साथ मिलकर काम करने से सफलता जरूर मिलेगी। पीएम ने 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि बजट से निवेश बढ़ेगा। पीएम ने कहा कि हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि जब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया तो देश सफल हुआ, दुनिया में भारत की अच्छी छवि का निर्माण हुआ। प्राइवेट सेक्टर देश की विकास यात्रा में उत्साह से आगे रहा है, हमें उनका सम्मान करना है और आत्मनिर्भर भारत अभियान में अवसर भी देना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीएमसी ने नया चुनावी स्लोगन लॉन्च कर दिया है, जिसका मतलब है बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। अपने स्लोगन के जरिए टीएमसी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ममता बंगाल की बेटी हैं और बीजेपी बाहरी शक्ति। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में विस्फोटकों से भरा एक बैग बरामद हुआ है। घटना सुती पुलिस थाना क्षेत्र में औरंगाबाद इलाके की है। दो दिन पहले इसी थाना क्षेत्र में निमातिता रेलवे स्टेशन पर राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला किया गया था, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार में कल मैट्रिक परीक्षा के सोशल साइंस पेपर लीक मामले में जमुई के 3 बैंक कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल साइंस का पेपर रद्द किया गया है। इस बीच आज अंग्रेजी का पेपर लीक होने की अफवाह के बाद पटना में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक ही गांव के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने के चलते उनकी जान गई है, हालांकि पुलिस प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। कांग्रेस ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी निर्भया जैसी दरिंदगी का मामला सामने आया है। 1 महीने पहले इवनिंग वॉक के दौरान हैवानियत के शिकार लड़की की हालत बेहद खराब है, उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के कानपुर में भर्ती उन्नाव पीड़िता के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, उसे वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया है। इस बीच उन्नाव केस में सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक तथ्य फैलाने के आरोप में कांग्रेस नेता उदित राज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यूपी के कानपुर में डबल मर्डर मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। नवाबगंज के उजियारी पुरवा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस के मुताबिक वारदात की वजह पुरानी रंजिश है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।